हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं फूलचंद मौर्य अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने है हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक, जिसमें टाइमिंग चेन का प्रॉब्लम आया हुआ है। तो इसका हम अभी आज टाइमिंग चेन चेंज करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि इसका टाइमिंग चेन किस तरह से चेंज किया जाता है और उसका टाइमिंग किस तरह से मिलाया जाता है और मैग्नेट को किस तरह से ओपन किया जाता है, सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो नए मैकेनिक भाई हैं उनके लिए खास करके ये वीडियो है, वो अच्छे से एक बार देख लेंगे तो दोबारा कभी भी उनको सेटिंग में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंजन के अंदर से यहाँ पे इंजन ऑयल जो है पूरा ड्रेन कर लेना है, तो उसको हमने ऑलरेडी कर लिया है। और उसको करने के बाद में कुछ यहाँ से आपको मैग्नेट के यहाँ से जो है कॉइल का यहाँ से वायर को आपको अलग कर लेना है। ये पिकअप कॉइल का वायर है, इसको हटाना है, साथ में इसको कपलर को यहाँ से अलग कर लेना है। यहाँ से करने के बाद में कुछ इस तरह से ये बाहर आया जाएगा। यहाँ से करने के बाद में 8 mm का गोटी लेना है इस तरह से, और यहाँ पर जितना भी बोल्ट है 1, 2, 3 और एक नीचे लगा हुआ 4 बोल्ट टोटल दिया है, तो चारों को आपको खोल लेना है। बोल्ट को निकालने के बाद में कुछ इस तरह से इसे बाहर की तरफ आपको इसे चैम्बर को पुश करना है, और यहाँ से ये न्यूट्रल का वायर जो लगा हुआ है यहाँ से क्लिप से आपको यहाँ से हटा लेना है, ऐसे करके ये वाला। ऐसे आप करेंगे बाहर निकल जाएगा। इसको करने के बाद में थोड़ा सा आपको घुमा के चैम्बर को निकालना है बाहर की तरफ, ताकि ये जो है लीवर जो है फंसे ना। तो ये हमारा देख सकते हैं कि अभी ये निकल चुका है। उसको करने के बाद में आपको यहाँ पे 14 नंबर का यहाँ पे बोल्ट खोलना है। तो उसको खोलने के लिए कुछ इस तरह से स्टापर होना चाहिए आपके पास। ये बेल्ट सभी गाड़ियों में लग जाता है, यूनिवर्सल है। कई बार क्या होता है, जुगाड़बाजी करने के चक्कर में थोड़ा नुकसान हो जाता है गाड़ी का, तो वो आपको नहीं करना है। पूरा प्रॉपर आपको टूल लगाना है। को ऐसे सीधा करके यहाँ पर जब टाइट करेंगे तो ला के यहाँ पर जब रखेंगे तो यहाँ से ये लॉक हो जाएगा। तो हमें चलिए इसको करने के बाद में इसको पूरा टाइट यहाँ से करके फिर इसको खोलना है। बेल्ट को यहाँ से टाइट करने के बाद में कुछ यहाँ से आके बॉडी पे यहाँ पे टच हो जाएगा, तो ये रुक गया यहाँ से। तो उस करने के बाद में इसको गोटी हैंडल लेना है, 14 नंबर का यहाँ पे गोटी लेना है और बलपूर्वक इसको खोलना है। देख सकते हैं कितना इजी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ये खुल गया है। देख सकते हैं ये निकल गया है। इसके पीछे एक वाइसर रहता है, तो इसको भी आपको निकाल लेना है, बाहर कर लेना है ढीला करके। देख सकते हैं ये हमारा बाहर आ गया है। इस तरह से ये वाला मैग्नेट का पुलर चाहिए स्पेशल, ये होता है, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। ये जब रहेगा तो इसको आप बाहर इजीली तरीके से इसको कर सकते हैं। इसको ठोकना बिल्कुल नहीं है किसी चीज़ से। तो इसको आपको सीधी चूड़ी होता है इसका, यहाँ पे पहले इस वाले हिस्से को पहले टाइट करना है। ऐसे करके जब ये टाइट करेंगे, देख सकते हैं वो हो गया है। उसको करने के बाद में आपको इसके बीच वाला इसको कसना है। बीच वाले को जो आप इसको जब कसेंगे तो ये बाहर की तरफ ये निकलता जाएगा। अगर ये इजीली तरीके से ना निकले तो थोड़ा सा इस पर आपको चोट मारना है, इस तरह से लेना है प्लस और इसको ठोकना है। देख सकते हैं अब ये हमारा कितने आसानी से, देख सकते हैं ये बाहर आ चुका है। इसी तरह से आपको खोल लेना है इसको। तो सेल्फ को चैन को करने के लिए यहाँ पे एक लॉक यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा सा। चलिए मैं आपको नज़दीक से करके दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको शायद दिख पा रहा होगा कैमरे में अच्छे से। ये वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं घूम रहा है। तो इसको क्या करना है, इस तरह से आपको प्लस लेना है नोज वाला, और ऐसे करने के बाद में फंसा के यहाँ पे बाहर की तरफ आप ऐसे दबाएंगे। देख सकते हैं ये जो छोटा सा लॉक है ये आपका बाहर आ चुका है। तो इस तरह से बाहर करने के बाद में यहाँ से आपको यहाँ पे 8 mm का यहाँ पे छोटा सा बोल्ट लगा हुआ है, ये पत्ती लगा हुआ है, ताकि ये गरारी इसका बाहर ना आए। तो इसको आपको खोल लेना है यहाँ से। तो इसको आपको खोल लेना है, देख सकते हैं छोटा सा ये बोल्ट है, इसके साथ में ये पत्ती है, और ऐसे करके आपको पूरा कंप्लीट ऐसे निकाल लेना है। देख सकते हैं इधर साइड ये जो है किस तरह से रहता है और दूसरे साइड मोटा ये रहता है, तो इसी तरह से ये बनावट रहता है। साथ में ये गाइड रहता है, पैड जो है जिसको बोलते हैं, ये सेल्फ चैन को यहाँ पर रोकता है ताकि ये बॉडी में टच ना हो। एक स्क्रू यहाँ पर और एक नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, तो दोनों को आपको बिट की मदद से खोलना है। बिट को आपको लेना है थोड़ा सा, देख सकते हैं ये पतला नोक वाला है और ये मोटा है, जो मोटा है उसको आपको लेना है।
तो कुछ इस तरह से लेना है और 8 mm की गोटी के साथ में आपको इस तरह से फंसाना है और थोड़ा बलपूर्वक इसको खोलना है। देख सकते हैं कि अभी हमारा ये स्क्रू ढीला हो चुका है, थोड़ा बल लगाना पड़ा इस पर और ये आपका बिट अगर ना रहेगा तो खुलेगा भी नहीं ये वाला स्क्रू, तो बिट होना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं काफ़ी दिन बाद ये खुला कि इस तरह से इस पर जंग पड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ क्योंकि ये ब्लर हो जा रहा है कैमरे में। देख सकते हैं अभी ये एकदम से क्लियर है। ये प्लेट जो है ईजिली तरीके से बाहर आ जाएगा। कई बार क्या होता है जो गलत तरीके से जो बॉन्ड लग जाता है तो इससे क्या होता है ये अच्छे से खुलता नहीं है, तो इसको ध्यान रखना है कि आपको जब भी करें तो अगर लगाना हो तो रेसी बॉन्ड आप यूज करें जिससे दोबारा खोलने में भी दिक्कत नहीं होगा और ये अच्छे से काम भी करेगा, यहाँ पे लीकेज भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको साइड में रखता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारा यहाँ से अब ये टाइमिंग चेन यहाँ से दिखने लगा है। तो नीचे से हमें क्या करना है, 14 नंबर का यहाँ पर गोटी लेके इसका जो है पुश रॉड वगैरह ढीला कर लेना है, खोल लेना है। तो इसको हमें नीचे से ढीला करके और निकाल लेना जिससे कि टाइमिंग चेन हमारा लूज पड़ जाए। तो पुश रॉड नीचे से इसको हमें थोड़ा सा पुश कर देना है नीचे की तरफ और इसको गरारी को हमें बाहर निकालना है। देख सकते हैं कि ये रबड़ का जो है गरारी छोटी वाली है ये बगल से घिस रहा था क्योंकि ये पुराना हो गया था, इसका दांत भी एकदम से घिस गया है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं साइड में रखता हूँ। और इसके टाइमिंग चेन को निकालने के लिए आपको कुछ इस तरह से यहाँ इस वाले प्लेट के उस साइड में आप जाएंगे तो 10 नंबर का यहाँ पे बोल्ट दिया रहेगा। फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि पलक के बगल में ये वाला बोल्ट रहता है, इसको आपके 10 नंबर का टीज की मदद से आपको खोलना है। इसको आप जब खोलेंगे तो ईजिली तरीके से ये खुल जाएगा। आपको ऐसे खोलने के बाद में थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे ढकेल देना है जिससे ये बाहर चला जाएगा। देख सकते हैं कि अभी हमारा ये प्लेट यहाँ से बाहर आ चुका है और ये वाला बोल्ट था, तो यहाँ पे 2 बोल्ट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 8 mm का, यहाँ पे आपको नज़दीक से करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, कैमरे को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। 2 बोल्ट जो है इसको आपको खोलना है टाइमिंग गरारी जिससे ये टाइमिंग चेन हमारा बाहर आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं खोलता हूँ। देख सकते हैं ये ईजिली तरीके से खुल जा रहा है, छोटा सा बोल्ट रहता है, ये 2 बोल्ट है। इसको डायबेट की मदद से ऐसे ढीला कर लेना है और निकाल लेना है ऐसे करके। कुछ इस तरह से ये गरारी है, ये बाहर आ चुका है तो इसको हमें साइड में रखना है। और बीच में ब्लॉक के यहाँ पे रोटर जो लगता है उसका एक बोल्ट लगता है, इस बोल्ट को भी हमें खोलना है। इस तरह से खोल के ध्यान देना है कि पीछे एक वाइसर रहता है, जब भी आप फिट करें तो वाइसर ज़रूर लगाएं। तो यहाँ तक देख सकते हैं हमारा ये गरारी आ चुका है, तो आपको इसे बाहर की तरफ ऐसे पुश करना है। हमने ये आ गया और ये 2 रोटर हमें चेंज करना ज़रूरी होता है, ये वाला जब भी हम टाइमिंग चेन डालते हैं और तीसरा यहाँ पे पंप गरारी जो है ये वाला, क्योंकि ये सब पार्ट जो है हमेशा उसी के ऊपर रोटेट होते रहता है टाइमिंग चेन के साथ। और ये एकदम से रबड़ जो है हार्ड पड़ गया है, ज़रा सा भी इसमें लचक नहीं है, इसमें लचक होना चाहिए ताकि स्मूथनेस बनाए रखे। तो इसको हमें चेंज करना है, इसके बीच की जो छल्ले में घिसावट हो गया है। तो चलिए मैं न्यू टाइमिंग चेन लाता हूँ और फिटिंग करके दिखाता हूँ। न्यू टाइमिंग चेन हमने ले लिया है, चलिए इसका मैं फिटिंग आपको किस तरह से किया जाता है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। टाइमिंग चेन को यहाँ से धीरे धीरे करके यहाँ से डालना है, आप जब धीरे धीरे ऐसे करके सरकाएंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो आपको ऐसे धीरे धीरे करके डालना है, देख सकते हैं ये आ गया है यहाँ से। यहाँ पे ऐसे लाने के बाद में इसको ऐसे मैग्नेट के बीच में ऐसे कर देना है, ये देख सकते हैं जो है ईजिली तरीके से देख सकते हैं इसके शाफ्ट पे चला गया है। तो इसको आपको सेंटर में कर लेना है, अभी ये बैठ चुका है ऊपर, यहाँ से लाके यहाँ पे राउंड में ऐसे कर देना है इसके ऊपर, टाइमिंग गरारी के ऊपर ऐसे कर लेना है। यहाँ पे घाट है, आपको ऐसे चढ़ा देना है। पार्ट नंबर देख सकते हैं और MRP भी देख सकते हैं, ये बड़ा वाला है ये छोटा वाला, दोनों रोटर को हमें चेंज करना है। तो बड़ा वाला सबसे पहले हमें लगाना है, पीना पड़ रहता है, देख सकते हैं इसको आप घुमा, देख सकते हैं कितना भी आप इसको घुमा देंगे ये टूटेगा नहीं और ये अच्छे से अब काम करेगा। तो हमें इधर साइड से ऐसे करके डालना है, दबा के ऐसे जब इसको दबाएंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा इसके सेंटर पे। तो आपको टाइमिंग चेन को ऐसे उतारना है यहाँ से बाहर करके, ऐसे करने के बाद में आपको देखना है कि ये जब सेंटर पर आ जाएगा तो इसको आपको खुद भी पता चलने लगेगा कि हाँ अब ये सेंटर पर हो गया है।
देख सकते हैं ऐसे हमने किया है, और यहाँ से इसे पेचकस को जब डालेंगे तो ये इसके सिर में जाएगा और इस पर लोहे का बना हो रहता है जो बीच में बैठता है, जिस तरह से देख सकते हैं ये है, तो ये वाला दिखता है भाग। तो इसी तरह से देख के आपको उसको लगाना है, बोल्ट लगा देना है, इसी के ऊपर रोटर चलेगा, लूज जरा से भी नहीं छोड़ना है। तो ये हमारा अब यहाँ से हो गया है, और हमें ऊपर ऐसे चढ़ा देना है फिर से वापस से इसे, ताकि हम इसका जो टाइमिंग गरारी जो है उसको चढ़ा सकें। सेट करेंगे तो देखेंगे ऐसे आपको करना है, देख सकते हैं केम अभी आगे पीछे हो रहा है। अगर ये फ्री रहेगा तो समझ जाइए कि आपका वाल बंद है, अब यहाँ पे टाइमिंग पे है, तो आप ऐसे फ्री वाले पे कर दीजिए। और दूसरा आपको करना है कि इसका जो की है मैग्नेट का चाबी जो है ये एकदम सीध में होना चाहिए, यहाँ पे मैं आगे ऐसे करके देख सकते हैं ये अभी सीध में है, आगे की तरफ है। तो ये आपका यहाँ से टाइमिंग मिलाने का तरीका यही हो गया। दूसरा जो है इस पर भी एरो बना हुआ रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से कटिंग बना हुआ है, देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देख सकते हैं आप कैमरे में अच्छे से दिख रहा है। तो ये वाला जो बिंदा बना हुआ है ये आपके यहाँ से कटिंग यहाँ पे भी बना हुआ है, इसके यहाँ से देख सकते हैं। चलिए मैं आपको स्केच की मदद से दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको इसी के सीध पे लाके ये वाला जो हिस्सा आपको रखना है। तो चलिए इसका टाइमिंग मिलाते हैं, और यहाँ से जब हम इसका टाइमिंग चैन को यहाँ से टाइट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ ही थोड़ा सा ये दबेगा, तो जिसकी वजह से ये खुद ब खुद ये सेंटर पर रहेगा। तो यहाँ से छोटा वाला गरारी आपको लगाना है, उससे लगाने से पहले देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग इसका सही हो चुका है। इसको टाइमिंग पे करने के बाद में यहाँ से दो बोल्ट जो है 8 mm का लगता है उसको आपको लगा के और टाइट कर लेना है। अभी हमारा ये जो है टाइमिंग पे इस समय हो चुका है, हमें इसको जो है बोल्ट को यहाँ से लगाना है। आपको इसको टाइट करने में दिक्कत हो तो मैगनेट को आप लगा लीजिए यहाँ से, ऐसे मैगनेट को आप यहाँ से लगाएंगे जब, तो इसको यहाँ से आप पकड़ के उसके बाद में आप टाइट जब करेंगे तो जिससे क्या होगा ये मैग्नेट जो है घूमेगा नहीं और पूरा ये जो है बोल्ट अच्छे से टाइट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको फंसा के और इसको टाइट कर देना है, नहीं तो क्या होता है कि जब ये लूज रहेगा तो आवाज़ करेगा और इसका बोल्ट टूट भी सकता है उसी में झटका पड़ने पे। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ से ये टाइट हो चुका है, देख सकते हैं ये वाली गरारी है। इसको आप किधर भी आप सेट कर सकते हैं, चाहे उल्टा या सीधा, इसमें कुछ भी नहीं होता है। और ये चाहे तो आप नंबर बाहर की तरफ ही इसको रखें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको फिटिंग करते समय ये ध्यान देना है कि इसका जो दांत बनता है ये दांत इसके जो है चैन के ग्रुप में ही रहना चाहिए, ग्रुप में नहीं रहेगा तो ये दिक्कत करेगा। तो अभी देख सकते हैं ये हमारा ये ग्रुप पे है, अच्छी तरीके से उसी के चैन के ऊपर चढ़ रहा है। आपको ध्यान देना होता है, देख सकते हैं यहाँ से कटा हुआ है, तो इस रबड़ को आपको चेंज कर देना होता है अगर ये कटा रहे हैं, और अगर आप नहीं चेंज कर रहे हैं तो इसको आपको कुछ इस तरह से घुमा के लगाना है, ताकि इस पर जो है इधर से ना घाट पे जाके इधर से बल पड़े, ताकि ये अच्छी तरीके से टाइट कर सकें। तो करने के बाद में आपको इधर से आपको ऐसे यहाँ से दबा के ऐसे फिट कर देना है, नीचे से ऐसे डालना है आपको, रबड़ का साइड ऊपर रहेगा, ये रबड़ जो है इसके जो है पत्ती को दबाने का काम करता है, ताकि ये जो है ये रबड़ अगर कट जाएगा तो ये पत्ती जाके इसके पुश रॉड पे जाके टच हो जाएगा, तो इसलिए इसको आपको यहाँ से कर लेना है। फ्रेंड इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से लूज वाला स्प्रिंग लगाना है, इस पर हार्ड स्प्रिंग नहीं देना है, इसको लगाना है, और इसको बोल्ट भी साथ में इसी तरह से आपको इस स्प्रिंग को फंसाना है, और इसके नीचे एक वाइसर लगता है, वाइसर को ज़रूर लगाना, नहीं तो क्या होता है कि यहाँ से ऑयल लीकेज करता है और ये घुमावदार जो रहता है ये ऊपर जाएगा। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से रेसिप बोल्ट लगाने के बाद में हमें इसका फिटिंग करना है, और इसको हमें एकदम सेंटर पे ले जाके इसे रखना है। यहाँ पे घाट बना हुआ नीचे की तरफ, हमारा अभी यहाँ पे फिट हो चुका है, क्योंकि अगर हम घुमाते हैं इसको देख लीजिए घुमाने के बाद में, तो यहाँ पे पैकिंग जो है घूमता नहीं है जरा सा भी, आगे पीछे नहीं होता है, तो ये जहाँ पे है उसका सेटिंग जो है वो अस्थाई एक जगह पर बैठ जाता है। और नीचे भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक टाइमिंग बना हुआ है, यहाँ पर ये रहता है घाट जो है, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद में उधर से हमें जो है 10 नंबर का जो बोल्ट हमने खोला था उसको टाइट कर देना। तो फ्रेंड इस प्लेट को लगाने से पहले इस बात को आपको जानना है कि ये प्लेट किस तरह से रहता है, अगर आप फर्स्ट टाइम खोलें तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपके कहाँ पे ये रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये कटिंग जो हिस्सा रहता है कुछ इस तरह से देख सकते हैं होल, ये जो है ये जो ऊपर जो कटा रहेगा, दूसरा जो है ये वाला हिस्सा जो रहता है ये बना हुआ है घाट जो ये ऊपर रहेगा। तो कुछ इस तरह से आपको ऐसे करके ऊपर की साइड ऐसे रखना है, देख सकते हैं, ताकि स्क्रू जो है दोबारा से आपको फिट करने में कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं इसमें कुछ भी जो है ठोंकने की ज़रूरत नहीं है, इजीली तरीके से ये बिट चुका है। स्क्रू को देख सकते हैं, इसको फुल टाइट कर देना है, नीचे का स्क्रू और ऊपर का स्क्रू हमने अच्छे से इसको टाइट कर दिया है। अब ये हमारा यहाँ से फिटिंग हो चुका है। फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है गरारी है
और इस गरारी को अब हमें फिट करना है चैन का। तो ये वाला जो हिस्सा पतला वाला जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये अंदर के साइड रहेगा, ये बाहर के साइड ये जो मोटा रहेगा। तो कुछ इस तरह से आपको लगाना है, और इधर साइड ये जो है बुश बढ़ा रहता है, तो बड़ा साइड जो है बुश जो रहता है ये अंदर की साइड जाएगा सेल्फ के मोटर पर। तो कुछ इस तरह से आपको फंसाना है और सेल्फ़ के ऊपर ऐसे करके रखना है। यहाँ से फिट हो चुका है। यहाँ से फिट करने के बाद में ये वाला पत्ती लगाना है, जो आपको ये पत्ती को लगाने के लिए 8 नंबर का यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है। तो इसको यहाँ पे ऐसे फंसाना है और इस पत्ती को इधर साइड ही रखना है, उसके ऊपर नहीं रखना है। ऊपर रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा अच्छे से। तो यहाँ से करने के बाद में इसको टाइट कर देना है ऐसे करके। ये जो है दोनों पैड जो है आपको लगाना है कुछ इस तरह से, ऐसे करके रखना है यहाँ पर, और इधर साइड जो है इस तरह से रखना है ऐसे करके। इस पैड को लगाने के बाद में हमें इसका जो है मैग्नेट जो है लगाना है। तो चलिए इसका मैग्नेट मैं लगाता हूँ। मैग्नेट को लगाने के लिए कुछ इस तरह से आपको ऐसे करना है, ऐसे घुमा के डालना है ऐसे। इसका जो है छर्रा जो है बैठ जाता है यहाँ पे सेल्फ का, तो जिससे क्या होता है अंदर की तरफ आप खुद ब खुद मैग्नेट हो जाता है। तो यहाँ से करने के बाद में आपको क्या करना है, एक वाइसर देना है, उसके ऊपर से 14 नंबर का बोल्ट। तो चलिए इसको मैं जिस तरह से खोला था उसी तरह से इसको टाइट कर देना है। तो इस पर बेल्ट लगा के मैं टाइट कर देता हूँ फटाफट। ये मैग्नेट जो है टाइट हो चुका है। इसके बाद में हमें इसका चैम्बर जो है फिटिंग करना है। तो फ्रेंड इसका हमें चैम्बर लगाना है, और चैम्बर लगाने के पहले देख लेना है पैकिंग यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आपको इस तरह से फिट करना है, चैम्बर को थोड़ा सा इसे क्रॉस करना है ताकि ये लीवर यहाँ से फंसे ना। और यहाँ से करने के बाद में आपको इसे सीधा कर देना है अंदर ले जाके, और यहाँ पर डबल बुश दिया गया है तो बुश को ऐसे सेंटर पर करना है और ऐसे ठोक देना है। देख सकते हैं अभी हमारा यहाँ से फिट हो चुका है। जो कनेक्शन जो हमें ऐसे कर देना है, यहाँ से नीचे कर देना है थोड़ा सा सरका के ऐसे। आपको यहाँ पे पत्ती कुछ इस तरह से दिया रहता है, तो थोड़ा सा पत्ती को अंदर की तरफ पुश करना है, और यहाँ पे होल दिया गया है तो होल के बीच में ऐसे आपको डाल देना है। देख सकते हैं ये हमारा वायर यहाँ से भी फंस चुका है, जैसे कि अभी ये ऊपर का है, ये थोड़ा सा मीडियम साइज़ का लगेगा। देख सकते हैं ऐसे करेंगे, थोड़ा सा सिर्फ इस पर बढ़ा हुआ है, और नीचे के साइड थोड़ा सा बड़ा लगेगा ये सबसे बड़ा वाला बोल्ट यहाँ पे। और ये जो दो बोल्ट है इसको किधर भी लगा सकते हैं, चाहे यहाँ पे लगाइए चाहे इसको यहाँ पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों हमारा यहाँ से हो गया। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि अभी इंजन हमारा स्टार्ट है, और इसका साउंड आप सुन सकते हैं थोड़ा सा, अभी साउंड जो है हल्का सा इसमें पिस्टन का है, बाकी टाइमिंग चैन का। चलिए बाएँ साइड से मैं आपको सुना के दिखाता हूँ। आपको देख सकते हैं कि इंजन का आवाज़ एकदम से मस्त हो गया है। अब पहले का आवाज़ हमने नहीं आपको सुना पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये पहले इसका जो है इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ हमने निकाल लिया था, और इसका जो है टाइमिंग चैन बदलने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाया। बाकी मैं आपको दिखाता पहले भी, तो आपको इसका बहुत ही ज़्यादा साउंड इस पर कर रहा था काफ़ी तेज़ी से। तो चलिए अभी वीडियो को एंड करते हैं, यहीं पर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।